हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल राम से स्टेटमेंट पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस वैकेंसी के बारे में जिसका आपको इंतजार मार्च से होगा। आपको पता है कि सबसे पहले एसएससी जीडी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो मार्च में आया था। मार्च के बाद अप्रैल तक हमने इंतजार किया, फिर मई, जून, जुलाई। अब जुलाई को आपको पता है 16 को कल आया है, आज 17 तारीख आपको पता होगा जैसे कि। तो एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी आई है, मैं इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आपको पता होगा पहली बात तो एज, और उसके बाद आपको पता होगा इसमें टोटल जो वैकेंसीज दी हैं वो कुल 25,271 वैकेंसीज इसमें दी हुई है। जैसे कि सारे यूट्यूबर और सब लोग बताते थे कि 80,000 60,000 प्लस पद आएंगे, उसकी अपेक्षा आप देख सकते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा भी इस बार जो वैकेंसीज आई है वो बहुत ज्यादा कम आई है। आपको पता होगा कि बच्चे इसका बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। एसएससी जीडी वो वैकेंसी है जिसके लिए सब लोग इंतजार करते हैं। आपको पता होगा जो भी छोटी जॉब की तैयारी या जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं वो ये सोचते हैं कि पहले हमें कोई जॉब मिल जाए, तो आपको पता होगा कि सभी इसका पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। और अभी वैकेंसी आई भी है, तो आपको पता होगा मार्च से हमें पागल बनाया जा रहा था कि अभी वैकेंसी आएगी आएगी, और अब आई है। तो आपको पता होगा टोटल पोस्ट आई है 25,271। अगर आपने नहीं भी देखा है तो देख लो, आज से ये फॉर्म भरा जाएगा, तो आप इसे भर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसमें से आपको पता होगा कि मेल के लिए कुल 22,424 पद है, पिछली बार 60,000 प्लस पद थे टोटल, आपको पता होगा। और फीमेल के लिए इसमें 2,847 पद इसमें टोटल फीमेल्स के लिए हैं। बात करें अगर फोर्स की कि कौन सी फोर्स में कौन सी कितनी वैकेंसी यानी कि कितने पद आ रखे, तो आपको पता है कि बीएसएफ में है कुल 7,545 पद है, सीआईएसएफ में इस बार सबसे ज्यादा पद आए हैं आपको पता होगा, और ये सबसे अच्छी फोर्स भी है ना, आपको पता होगा। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं, आपको एक ऐसे एरिया मिल जाएगा जैसे एयरपोर्ट हो गया या फिर सरकारी संपत्ति जो भी होती है उसमें रक्षा करने के लिए आपको लगाया जाता है। सीआरपीएफ में इस बार 0 पद आए हैं आपके पास। एसएसबी अच्छी पोस्ट है, एसएसबी में 3,806 आ रखे हैं। आईटीबीपी में आपके 1,431 आ रखे हैं। एआर का मतलब होता है असम राइफल, इसमें 3,785 पद है। और एनआईए में आपके 0 पद है आपको पता है। एसएसएफ में आपके 240 पद है। तो आपको योग्यता तो पता होगी, अगर आप नए बच्चे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्वालिफिकेशन होता है 10th पास। आप किसी भी बोर्ड से अगर 10th पास आउट हैं तो क्या है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस आप 18 से कितने के बीच में होने चाहिए, 23। अगर हम एज की बात करें, आयु, तो मिनिमम 18 साल, और ये काउंट हो रही है आपको पता होगा 1/8/1998 से ये काउंट हो रही है मेरे भाई, और आपको 1/8/2021 तक इनके बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब है आपका जन्म 1/8/1998 से का पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/8/2021 के बीच में, यानी कि मतलब वैसे तो वो 4 दे रखा है, शायद 3 दे रखा है, तो आपको इसके बीच में होना चाहिए। तो 1/8/2004 लिख लो यहाँ पर। अगर हम बात करें कि कहाँ तक आप कर सकते हैं, तो शायद 3 है, पता नहीं, 4 देख लेना। एज का तो कुछ नहीं, बस 18 से 23 आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, आपको पता होगा कि जो लोग इस फॉर्म को मार्च में भरते वो अभी आपको पता होगा, जिनका मार्च के मान लो मार्च में 12 या 10 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, तो अगर जो लोग 11 या 12 को भरते हैं, या जिनका उम्र, जिनकी उम्र 23 साल मार्च की जगह अप्रैल में हो रही होगी या मार्च के लास्ट महीने में हो रही होगी, वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो मार्च में नहीं भर पाएंगे, अप्रैल वाले नहीं भर पाएंगे, मई वाले नहीं भर पाएंगे, जून वाले भी नहीं भर पाएंगे, जुलाई वाले भी नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को, अगस्त वाले ही इसको फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपने पता है कि यहाँ पर कम से कम एज रिलैक्सेशन तो देना चाहिए, कम से कम 4-5 महीने का तो एज रिलैक्सेशन दे दो आप लोग, कम से कम इतना तो सुनो। स्टूडेंट के साथ इतना भी अन्याय नहीं होना चाहिए ना हमारे साथ कि फीमेल को और मेल्स को सबको मिलाकर इतनी सी पोस्ट निकाली है 25,271। कहाँ हल्ला हो रखा था, अखबारों में सब में न्यूज आ रही थी कि 80,000 प्लस पद आने वाले हैं, ये आपके 80,000 पद, ठीक है। 25,271 ऑल इंडिया रैंक लगेगी। आपको पता होगा अगर मैं एससी की बात करूं ऑल इंडिया लेवल पर, तो 70 पर मेरिट गई है एससी की, 100 में से 70 एससी, जनरल की तो 80 का ही 85 तक गई है, आपको पता होगा। अच्छी पोस्ट के लिए जैसे ये बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। ये अभी मेरा एक फ्रेंड था, उसके यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो 69 पॉइंट कुछ नंबर थे, वो बाहर हो गया उसमें, क्योंकि कम से कम 70 पर मेरिट गई है। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि यहाँ पर अब हमें कितने नंबर लाने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही टफ हो रहा है यहाँ पर कंपटीशन अब आपका, तो इस बार मेहनत कर लेना दोस्तों ताकि आप इसे क्लियर कर पाए। तो देखो, फिजिकल की बात करते हैं, आपको पता होगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब में हमें क्या चाहिए होती है, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। एसटी की बात करें, एसआई नहीं है, एसटी है। एसटी की अगर हम बात करें तो उनको 165 चाहिए, और फीमेल को चाहिए 157, और एसटी की फीमेल्स को 155 चाहिए। अभी बात कर लेते हैं जो हिल एरिया में आते हैं, जैसे ना आपको पता होगा सेवन सिस्टर्स हैं इधर उत्तराखंड, हिमाचल, इन जो कुमाऊनी, गोखरा, ये सब होते हैं, उनकी हाइट भी कम हो जाती है, उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जो चेस्ट होती है वो 80 से 85 आपको जनरल, ओबीसी, एससी, बाकी छूट आपको पता ही होगी। एसटी के जो मेल हैं उनके लिए 76 और 80 चाहिए होती है, फीमेल्स के लिए कोई एज का क्राइटेरिया जिसका क्राइटेरिया नहीं होता है। रनिंग 5 किलोमीटर इन 24 25 मिनट नहीं होगा, 24 मिनट होगा, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट,
ठीक है, ये 24 मिनट है, यहाँ पर याद रखना 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। महिलाओं के लिए बहुत आसान है, 8.5 में 1.6 किलोमीटर है, कम है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी आप 1.6 किलोमीटर कर पाएंगे। लेकिन बस याद रखना, देखो मैं एक रनिंग का क्राइटेरिया बताता हूँ, कभी भी ना ऐसा जाकर शाम को 6 बजे मत दौड़ना और सुबह मत दौड़ना, क्योंकि ये लोग आपको जब फिजिकल कराएंगे तो दोपहर में ही दौड़ाने वाले हैं, ये बात याद रखना। टाइम बर्बाद होता रहता है हमारा, 5 बजे बुलाएंगे और क्या करेंगे, बैठा कर रखेंगे। कम से कम प्रैक्टिस करना दोपहर में दौड़ने की, जो लोग पहली बार दौड़ेंगे वो दोपहर में जरूर दौड़ना। दोपहर का मतलब ये नहीं कि 12 बजे जाकर ग्राउंड में दौड़ रहे हो, कम से कम आपको 4 बजे ग्राउंड में पहुंचना है और 4 साढ़े 4 बजे तक दौड़ना शुरू कर देना है, तब जाकर आप इसकी रेस क्वालिफाई कर पाएंगे। वरना आपकी रेस कितनी भी अच्छी है आपको चक्कर जरूर आएंगे, डिहाइड्रेशन वहां पर होगा ही होगा। तो ये बात अपने किसी फिजिकल जो कराते हो उनसे रिकमेंड कर लेना या यूट्यूब पर वीडियोस देख लेना। तो ये सारी प्रोसेस है आपकी SSC GD 2021 के लिए, और आपको पता है कि इसमें पोस्ट बहुत कम है, तो सिंपल सी बात है, अगर इसकी ये वो नंबर की बात करें तो इसकी जो मेरिट होगी वो बहुत ज्यादा हाई जाएगी जाएगी, क्योंकि जब वहाँ बताओ इतने सारे पद थे तब जाके मेरिट, SC की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा SC की, कम की बात करें तो 70 मेरिट गई है उत्तराखंड की। तो आप लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश और बाकी जो स्टेट है राजस्थान, वो तो बड़े बड़े स्टेट है, उनकी तो और ज्यादा हाई जाएगी। तो इस बार आपको अगर स्कोर करना है तो बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 70 नहीं 75 प्लस करके लाना SC वाले, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और बात करें कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दे इस एग्जाम को भरने के लिए, तो देखो वैसे तो सबसे अच्छी NIA होती है, आपको पता होगा NIA बहुत अच्छी होती है पोस्ट, क्योंकि खुफिया एजेंसी भारत की है ना, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, लेकिन NIA में तो है नहीं पोस्ट। तो हम सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस देंगे CISF को, ठीक है, किसको देंगे, CISF को। फिर आप ये SSB भर सकते हैं दूसरे नंबर पर, ठीक है, उसके बाद आप SSF तीसरे नंबर पर भर सकते हैं, चौथे नंबर पर आप असम राइफल भरिएगा, ठीक है, और BSF ITPP में से मेरे को ऐसा लगता है ITPP ज्यादा बेस्ट है यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट देखो सारी फोर्सेस है, कुछ लोगों को ये जो BSF है इसमें जाने में बहुत मजा आता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा खतरा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ITPP भर सकते हैं 5वें नंबर पर और इसको 6वें नंबर पर भरना, ताकि आप पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से दे पाए। यहाँ CRPF के पद 0 है तो CRPF तो हम भरेंगे ही नहीं, और आपको पता है NIA भी नहीं भरेंगे, तो पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे देना और भाई मेहनत कर लेना ताकि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिन लोगों को जॉब की नीड है उनको जरूर शेयर करना, मात्र 25,271 पद है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्म भरना है और एक निर्णय लेना है कि मुझे यहाँ पर एक जॉब लेनी है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कोरोना चल रहा है, अगर ये जॉब आपके हाथ से निकली तो अपने 3-4 साल भूल जाओ, क्योंकि ना कोई एग्जाम डिपार्टमेंट करा रहा है, सब ऐसे ही ठप पड़ा है एजुकेशन। तो प्लीज यार इसमें मेहनत कर लेना, ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको पता है कि मैं GD के लिए पढ़ाता भी हूँ, तो आप हमारे चैनल पर मैथ्स भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल है एजुकेशन चैनल, हम यहाँ पर मैथ्स GK VK सब पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।